कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। भुवनेश्वर साहब में फ्लोर ऑफ द हाउस जब कहा था कि कश्मीर में हम लोग कुछ वक्त के बाद स्टेटहुड वापस देंगे, अब एक साल पूरा हो गया, 13-14 महीने हो गए, हम फिर गुजारिश करना चाह रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा करिए, स्टेटहुड हमको दे दीजिए, तो हमको भी लगेगा, क्योंकि जम्मू भी बहुत बड़ा खिता है, कश्मीर भी बहुत बड़ा खिता है। अजीब सा लगता है जब हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर यूटी है, हर जगह यूटी के बाद स्टेट बनता है, लेकिन हमारे को बदकिस्मती से स्टेट के बाद यूटी मिला है। तो हम गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहां मेरे नेता भी बैठे हैं, वो भी इस बार अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में जीरो आवर में भी क्वेश्चन आवर नहीं दिया गया, नहीं तो उन्होंने भी ये रेज करना चाहिए, करना था। चिराग ने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया भी था, बीइंग अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, कि वो इसको रेज करेंगे फॉर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर। और मेन जो हमारा है, मैं आज फिर गुजारिश करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, ड्रग मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पुलिस बहुत काम कर रही है इसमें, लेकिन इसमें और बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। और मैं कोशिश करूंगा, गुजारिश कर रहा हूं सभी जो यूथ है, सभी सिविल सोसाइटी में जितने भी साथी हम सब लोग मिल बांट कर यहां रह रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, अगर कहीं पर भी उनको ड्रग के बारे में, किसी के भी बारे में पता लगे, तो वो इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।